बगलामुखी, जय श्री महाकाल। बगलामुखी टेंपल हिस्ट्री। भक्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि माँ बगलामुखी का जो मंदिर है उसका इतिहास क्या है और बगलामुखी माता का ये मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है और बगलामुखी माता के मंदिर का जो रंग है वह पीला ही क्यों होता है और बगलामुखी कौन सा भगवान है या देवी है। संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। बगलामुखी टेम्पल हिस्ट्री क्या है? बगलामुखी माता का यह मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान, जब पांडवों का अज्ञातवास का समय प्रारंभ हुआ उस समय के दौरान पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता है, अज्ञातवास के दौरान जब पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया तो केवल एक ही रात में इस मंदिर का उन्होंने निर्माण कर दिया। यहाँ सर्वप्रथम अर्जुन एवं भीम ने युद्ध में शक्ति प्राप्त करने के लिए, माँ बगलामुखी की कृपा पाने के लिए माँ बगलामुखी की विशेष पूजा और साधना की थी। बगलामुखी माँ का ये मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है, क्या इसके पीछे का कारण है? भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने की थी। मान्यता यह भी है कि बगलामुखी माँ की जो प्रतिमा है यह स्वयंभू है, यह स्वयं से प्रकट हुई है, स्वयंभू है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक माँ बगलामुखी भगवती पीताम्बरा का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट हमारे तंत्र शास्त्र के अंदर बताया गया है। बगलामुखी मंदिर पीले रंग का क्यों होता है? शास्त्रों में बताया गया है कि देवी माँ भगवती बगलामुखी हल्दी रंग के जल से प्रकट हुई, हरिद्रा नामक समुद्र से उत्पन्न है। पीले रंग के कारण देवी माँ को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। इन्हें पीला रंग बहुत प्रिय है और इसलिए इनकी पूजा में जो भी द्रव्य आदि या सामग्री, पुष्प, चावल या फिर भोग इत्यादि होता है वह सभी पीले रंग का होता है। माँ को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। सभी पूजा में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु पीले रंग की होती है। देवी माँ बगलामुखी का रंग सोने के समान पीला होता है। बगलामुखी माता कौन सा भगवान है या देवी है? भक्तों, इनको स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। तंत्र शास्त्र में बगलामुखी श्री कुल की देवी के रूप में जानी जाती है और माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या के रूप में इस कलिकाल में विद्यमान है। माँ बगलामुखी स्तंभन की शक्ति है, किसी भी गतिशील चीज़ का स्तंभन माँ बगलामुखी करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ मिलकर के भी माँ बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती। इतनी शक्तिशाली और पावरफुल ऊर्जा माँ बगलामुखी है। सोमराष्ट्र में प्रकट हुए माँ तूफान को शांत करने के लिए जब भगवान विष्णु ने एक पैर पर खड़े होकर हरिद्रा नामक समुद्र में तपस्या की, उस तपस्या के फलस्वरूप जो भगवान विष्णु ने तप किया उसके फलस्वरूप माँ बगलामुखी का प्रकाट्य हुआ, माँ बगलामुखी प्रकट हुई और विरोधियों को शांत करने के लिए तथा मुकदमा विजय, रोग, ऋण, ग्रह आदि बाधा से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना, इनके अनुष्ठान विशेष रूप से किए जाते हैं। जो लोग सभी जगह से हार चुका है, जिन लोगों के जीवन में समस्या समाप्त होने का नाम नहीं लेती, आपने लाखों जतन कर लिए, लाखों पूजा पाठ यदि आपने करा लिए, तो मैं एक बात आपको विश्वास से कहना चाहता हूँ कि आप माँ बगलामुखी के 36 अक्षरीय मंत्र या फिर बगलामुखी के सावर मंत्र का 36,000 की संख्या में आप जप कराएं। इस अनुष्ठान के प्रभाव से आपके जीवन से सकल विघ्नों का हरण होगा तथा माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन से सभी संकट, दुख, दरिद्रता का नाश माँ बगलामुखी अपने मुद्रा से करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ बगलामुखी।